ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज नए साल में आपने नई सौगात दी उपभोक्ताओं को, ओटीएस स्कीम को बढ़ाया है, क्या कुछ रहेगा? ओटीएस स्कीम को हमने 8 नवंबर से शुरू किया था, 31 दिसंबर को ये पूरा होने वाली, लेकिन कल की जो भीड़ थी उसको देखते हुए, कल लोगों का मिजाज देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए, हमें उचित लगा कि इसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। कल तक की बात करूं तो योजना में अभी तक 47 लाख से ऊपर लोगों ने इसका लाभ लिया है, 5150 करोड़ रुपया हमारे विभाग को जमा हुआ है और साथ ही 1731 करोड़ रुपया लोगों को छूट मिली है। तो इस प्रकार हर वर्ग के लोग, हर दृष्टि से ये अच्छी एक योजना रही है। कल की भीड़ देखते हुए और किसानों का ये खेती का गन्ने का पैसा आने का ये सीजन है, उस दृष्टि से अन्य भी हमें लोगों ने सुझाव दिए, जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए, उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने इस योजना को 16 दिन बढ़ाया है। 15 दिन का ही बात था लेकिन बीच में मकर संक्रांति का त्यौहार आता है, इसलिए 16वें दिन तक इसको बढ़ाया गया है। मैं अपील करता हूं सभी उपभोक्ताओं से कि अब इस योजना में पीछे न पड़े, इसका लाभ अवश्य लें। आज 1 जनवरी हो चुकी है, 22 जनवरी का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन करके तैयार है, 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के साथ साथ अयोध्या नगरी भी अपने पुराने वैभव को प्राप्त हो रही है, हम स्वयं उसको देखे कितना अच्छा लग रही है अयोध्या, एकदम अलग लग रही है पहले की अपेक्षा। तो स्वाभाविक बात है हम सबका उत्साह है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हम सभी इंतजार कर रहे हैं, हम सब के लिए, सनातन धर्मियों के लिए और पूरे देश और प्रदेश के लिए विशेष रूप से एक बहुत बड़ा अवसर। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये हमारे साथ ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी थे, जिनका देखिए साफ तौर से कहना था कि जो ओटीएस स्कीम है उसको 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो जो भी अभी इसका लाभ नहीं उठा पाया है वो जल्द से जल्द इस ओटीएस स्कीम का लाभ उठा सकता है। लखनऊ से सफी अहमद, TV9 भारतवर्ष।